वेलकम फ्रेंड्स टू लैपटॉप केयर मुंबई डेमो वीडियो क्लास फॉर लेवल टू बेसिक कोर्स विच इज़ ऑफर्ड फ्री टू ऑल माय फ्रेंड्स। ये क्लास वीडियो डेमो है जो लेवल टू बेसिक कोर्स जो हम फ्री में कंडक्ट कर रहे हैं फ्रेशर्स और लेवल टू इंजीनियर्स के लिए। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको प्रोसीजर पता चले कि आने वाले वीडियोस आपको कैसे रन करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है। तो आज के डेमो क्लास का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज करंट। ओके सो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं हमारे डेमो क्लास से। हम सबको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारी फिज़िक्स की एक ब्रांच है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं तो हमें पता है कि हम फिज़िक्स सीख रहे हैं, फिज़िक्स का एक पार्ट सीख रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी एक फिज़िक्स का ही पार्ट है। बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बिना फिज़िक्स के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प के यूज़लेस होता है। सो हमें पहले जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसके पहले छोटे टर्म्स रहते हैं जो हमें जानने ज़रूरी है, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, करंट एंड डेफिनेटली ओम्स लॉ, जिसके ऊपर हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल या सिद्धांत जो कहते हैं वो डिपेंडेंट है और हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यही हमारा बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे सीखने के लिए। तो दोस्तों कंडक्टर हम लोग उस मटेरियल को बोलते हैं या उस मेटल या धातु को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है अपने थ्रू, अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर अपने थ्रू पास करने की। उसमें हम लोग मेटल के अगर नाम लेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सबसे कॉमन मेटल कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो सर्किट बनाने में यूज़ होते हैं। सो उसे कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो दो डिफरेंट मेटल का कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम, जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, सिलिकॉन, ये सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिससे हम लोग डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट जैसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में यूज़ करते हैं। सो सेमीकंडक्टर उसे बोलते हैं जो वोल्टेज या प्रेशर आने पे, अपने मटेरियल के ऊपर वोल्टेज या प्रेशर आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने को अलाउ करता है और अगर उस पर कोई वोल्टेज या प्रेशर नहीं दिया जाता तो वो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी वो नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। सो ये जो इसका गुण है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है जिसके ऊपर से या जिसकी वजह से सब इलेक्ट्रॉनिक्स
डिवाइसेस बनते हैं, यानी चिप्स या आईसीस बनती हैं, ठीक है, कंपोनेंट बनते हैं। सो हमें ये याद रखना है। नाउ नॉन कंडक्टर, ये तो शायद सबको पता ही है, जो मटेरियल या जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करती है अपने थ्रू पास होने में, उसे हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि वुड, लेदर, प्लास्टिक, इपॉक्सी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती कोई भी फॉर्म में। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग जो भी सर्किट्स वगैरह बनाते हैं वो हमारे प्लास्टिक या इपॉक्सी बेस पे बनाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सर्किट डिज़ाइन करते हैं। अभी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर की बात करते हैं, तो बेसिकली ये कंडक्टर या सेमीकंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कैसे करते हैं, क्या उसका रीज़न है? तो दोस्तों यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है। हम सबको पता है, हम लोग स्कूल में बचपन में शायद फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि हर एक चीज़ जो भी ये दुनिया में अस्तित्व में है उसके अंदर एक एटम होता है। फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, मतलब जिंदा हो या कोई भी फिजिकल मटेरियल हो, हर एक के अंदर एटम होता है, जो शरीर का छोटा से छोटा पार्ट जो बोलते हैं, या कोई भी चीज़ का छोटा से छोटा पार्ट है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। सो एटम बेसिकली क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इसकी नाभि है, कोई भी एटम की नाभि होती है, सेंटर होता है, और नाभि के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन नाभि को पकड़ के रखता है या कंट्रोल करता है। सो ये जो नाभि है उसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या अवेलेबल, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उसकी कक्षा में घूमते रहते हैं। यहाँ पे जैसे तीन इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसकी कक्षा में, ये पर्टिकुलर एटम के लिए। तो हर एक मटेरियल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है और अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स रहते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही हमें वोल्टेज और करंट जनरेशन के लिए, या वोल्टेज या करंट बनाने के लिए मेटल में या कंडक्टर में हेल्प करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे बेसिकली हेल्प करते हैं और बेसिकली उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर हमें करंट समझना है, वोल्टेज समझना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ये रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि हमारे पास पॉकेट है जेब में, जिसमें पैसे रहते हैं, क्रेडिट कार्ड रहता है, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अगर कोई चोर उसे चुरा कर ले जाता है हमसे, तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं और हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि हमारा ये चुराया हुआ पर्स जो है वो हमें कैसे ही वापस मिल जाए, या तो चोर को पकड़ के, या तो पुलिस में कंप्लेंट करके, या तो अगर हमने चोर को देखा है तो उसके पीछे भाग के हमारी चीज़ हम लोग वापस लेते हैं। सो दोस्तों यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए समझाने के लिए या चार्ज समझाने के लिए काम आती है। मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हमें चार्ज यानी वोल्टेज को समझना है, तो ऐसे समझना है कि अगर यहाँ पे दो अगर एटम है, एटम नंबर एक और एटम नंबर दो,
एटम नंबर दो जो है वो एटम नंबर एक से इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन चुरा के अपनी कक्षा में ले लेता है और उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। और यही एटम जिस जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है वहाँ पे एक खाली जगह बन जाती है और वो एटम दूसरे एटम से यानी कि तीसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। सो ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम गिव्स अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक एटम दूसरे एटम से जब इलेक्ट्रॉन चुराता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यानी खाली चार्ज बन जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। सो ये प्रोसेस जब चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होता है तो हर एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स चुराने लगता है और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से चुराता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडक्टर मेटल के अंदर चार्ज पैदा हो गया है, चार्ज इज़ जनरेटेड। और जितना ज़्यादा चार्ज कोई मेटल के अंदर होगा उतने ज़्यादा वोल्टेज उसके दो कॉर्नर पे हमें मेटल के दो कॉर्नर पे मिलेंगे। सो चार्ज प्रोड्यूसेस वोल्टेज। ओके, सो ये इतना सिंपल एग्जांपल है जिससे हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज जनरेट करता है मेटल के अंदर और उसकी वजह से कैसे वोल्टेज जनरेट होते हैं। चार्ज हम लोग नाप नहीं सकते बट वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज कैसे जनरेट होती है, इससे वोल्टेज के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आगे कैसे जनरेट होती है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। समझिए यहाँ पे हमने 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा एक बल्ब है और यहाँ पे अर्थिंग या तो ग्राउंड दिया हुआ है। ये हमारी एक नॉर्मल होम सर्किट है जो हर एक घर में होती है और ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होती है। ये बल्ब की जगह पे ट्यूबलाइट भी हो सकती है या और कोई लाइट भी हो सकती है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि हमें एक सर्किट कंप्लीट करनी है और ये सर्किट को हम लोग क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। क्लोज्ड सर्किट यानी कि एक कंप्लीट सर्किट जिसके थ्रू हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, ये मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था, हमें बहुत सारे टर्म्स है वो याद रखने होते हैं जब हम फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी सीख सकते हैं। उसमें एक टर्म था क्लोज सर्किट, एक टर्म था ओपन सर्किट और एक टर्म था शॉर्ट सर्किट और एक टर्म था लीकेज सर्किट। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये चार चीज़ में से एक चीज़ मैंने आपको समझाई कि ये जो कंप्लीट एक सर्किट है उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन ये बल्ब के अंदर मेटल रहता है उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बिकॉज बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और ये मेटल हीट होने की वजह से, जनरली टंगस्टन मेटल यूज़ किया जाता है बल्ब्स में और ट्यूबलाइट रहेगी तो उसमें आर्गन गैस यूज़ किया जाता है। सो जब ये मेटल हीट होती है तो वो इसमें रहे हुए गैस को गर्म करती है और वो गैस लाइट छोड़ता है और हमें बल्ब ऑन दिखता है और चारों ओर उसका लाइट मिलता है। सो और ये लाइट हमें देके इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके ग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस है वो क्लोज सर्किट का प्रोसेस है और अगर सर्किट क्लोज होती है तो हमें लाइट मिलती है बिकॉज ऑफ वोल्टेज एंड
करंट जो वोल्टेज की वजह से अंदर फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। और वोल्टेज जो हमारा क्लोज सर्किट है उसके दो कॉर्नर पे, एक पे लाइव और एक पे अर्थिंग दिया जाता है, उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 220 वोल्ट शुरुआत में दिया जाता है, वो जाके 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका जितना भी पावर है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स ये वोल्टेज में है, वो आगे जाके अपना एनर्जी ये बल्ब को देके 0 हो जाते हैं और अर्थ में या ग्राउंड में चले जाते हैं। सो मैं समझ सकता हूँ कि आपको आइडिया आया रहेगा कैसे क्लोज सर्किट काम करती है, कैसे वोल्टेज और करंट काम करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, अगर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी कि हम अगर हमारा सर्किट ओपन सर्किट है या पाथ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पाथ भी बोल सकते हैं हम उसको, या ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने 220 वोल्ट दिया है, पर यहाँ पे हमारा ग्राउंड ओपन हो गया, ग्राउंड का कनेक्शन टूट गया है, तो हमारे दिए वोल्टेज ये इलेक्ट्रॉन को एनकरेज नहीं करेंगे आगे जाने के लिए, उसके वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये मेटल हीट नहीं होगा जो बल्ब के अंदर है, और वो गैस को गर्म नहीं करेगा, और बल्ब हमारा ऑन नहीं होगा। ओके, सो ये जो सर्किट है उसे हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। सो ये पाथ में सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, और उसकी वजह से करंट जनरेट नहीं हो सकता, और बल्ब चालू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो टर्म हमने और एक टर्म और क्लियर कर दिया, जिसे हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। तो क्लोज सर्किट जो हमने देखा उसमें वोल्टेज और करंट कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल वापस लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। फिजिक्स में हम लोग वोल्टेज जो चार्ज की वजह से पैदा होता है ऐसे वी से डिनोट करते हैं, करंट उसका सिंबल आई है, और रेजिस्टेंस उसका सिंबल आर है। ये तीन का कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से ही हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटें चलती है। सो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पहले मैं वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को डिफाइन करता हूँ, कि अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए आप एक मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो, और आपके अंदर जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इन पर्सन, उसको हम लोग वोल्टेज समझ सकते हैं। ये स्ट्रेंथ की वजह से हम लोग जो वजन उठा सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट लगेज, या जो भी वजन उठा सकते हैं, आगे बढ़ा बढ़ सकते हैं वजन के साथ, उसे हम लोग करंट कहेंगे। और हमारा जो कैपेसिटी होता है वो वजन को उठाए रखने का कुछ समय के लिए है, कभी ज़्यादा वजन रहेगा तो 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, कम वजन रहेगा तो 2 घंटा, 3 घंटा, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो एक पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो वोल्टेज है, उसको उठाने की जो ताकत है स्ट्रेंथ की वजह से वो करंट है, और वो वजन को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लिया गया है कि जब ये मेटल है, समझिए ये मेटल है, और मेटल के अंदर वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ग्राउंड,
तो ये मेटल के अंदर वोल्टेज की वजह से ये जो करंट फ्लो होता है वो थोड़ा रुकता है, बिकॉज हर कंडक्टर हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और वो उसे ब्लॉक करता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये तीन का कॉम्बिनेशन वी आई और आर, ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन बनता है जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए ये एक मेटल है, मेटल का तार है, कंडक्टर है जो एक क्लोज सर्किट है, उसका एक अपना रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है प्लस और माइनस। जैसे ही हम लोग ये कंडक्टर ये मटेरियल को चार्ज देते हैं तो उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो चोरी करने की प्रक्रिया हम लोग ने बताई थी या स्टीलिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रक्रिया बताई थी उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है और ये करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे ओम्स लॉ हमारा कंप्लीट होता है कि वोल्टेज दिया है और उसका अपना रेजिस्टेंस है इसीलिए करंट बन रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन वी इज इक्वल टू आई आर है, मतलब अगर हमने कहीं वोल्टेज दिया है तो उसमें करंट बनेगा आई और उसके रेजिस्टेंस की वजह से हमें उसका कैलकुलेशन मिलेगा, जिसे हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, समझ लीजिए ये मेटल है, ये उसका पाथ है और यहाँ पे हमने बैटरी लगाया है, वोल्टेज दिया है, तो ये कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा जिसकी वजह से इसमें ये सर्किट में करंट फ्लो होता है। और ये करंट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज और करंट हमें पता है तो हम लोग रेजिस्टेंस यानी आर मेजर कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताया है। तो कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ पिक्चर में आता है। लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, कि आप के कंडक्टर के अंदर या मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या और वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, अगर ये आर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं हम लोग कोई कंडक्टर में वोल्टेज देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ओके, सो वी इज इक्वल टू आई आर, सो वोल्टेज गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ओम्स लॉ को मैंने आपको समझाया है। सो वी इज इक्वल टू आई आर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है, फंक्शन है, फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें हर स्टेप में काम लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एनालिसिस में इसको हमें बाय हार्ट कर लेना है। वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यानी कि ओम्स लॉ हमें बाय हार्ट करना है और उसको तीन अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, समझो यहाँ पे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हमें करंट और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, अगर हमें करंट मेजर करना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, या तो रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ हमें पता है तो तीसरी चीज़ हम लोग खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ को अगर वापस डिफाइन करते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज और करंट का एक रेजिस्टेंस बनता है, वोल्टेज और करंट का रेजिस्टेंस के साथ एक रिलेशन बनता है,
तो वो रिलेशन हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहेंगे कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इफ़ रेजिस्टेंस इज हाई, तो पावर कम हो जाएगा। ओवरऑल जो पावर है, मतलब वी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वी भी कम हो जाएगा, वोल्टेज जो दिया है वो ड्रॉप हो जाएगा और करंट उसकी वजह से भी वो भी ड्रॉप हो जाएगा। सो इफ़ रेजिस्टेंस इज हाई, पावर विल बी लेस, हाई रेजिस्टेंस लेस पावर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पावर बढ़ जाएगा, मतलब वोल्टेज तो उतना ही रहेगा बट करंट फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। सो वी कैन से दैट लेस रेजिस्टेंस मोर पावर, लेस रेजिस्टेंस मोर पावर। और अगर वोल्टेज हमारा ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारा करंट बढ़ेगा। सो मोर वोल्टेज और हाई वोल्टेज मोर पावर, लो वोल्टेज मीन्स लो करंट, लो वोल्टेज की वजह से लो करंट बनेगा, सो उसे लो पावर कहेंगे। सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि V इंटू आई आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमारा ओम्स लॉ जो है वो बहुत सी चीज़ें डिफाइन करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग अगर लेंगे कि लो इनपुट या लो वोल्टेज दिया है और उसका अपने को हाई आउटपुट मिलता है, तो हम लोग रियल लाइफ में क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा साउंड सिस्टम, जहाँ पे अगर मुझे 1000 लोग को एड्रेस करना है, 1000 लोग के सामने स्पीच देना है, तो मेरा वॉइस तो एक लिमिट तक रहेगा, मतलब वो लो इनपुट हो गया या लो वोल्टेज हो गया। बट विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, ये हमारा एम्पलीफायर का सिंबल है, मैंने यहाँ पे हमारा वॉइस इनपुट किया है विच इज़ लो वोल्टेज, और ये एम्पलीफायर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की हेल्प से और ये एम्पलीफिकेशन डिवाइस की हेल्प से एक हाई आउटपुट देता है, जो मेरी आवाज़ 5-10 जन तक भी नहीं पहुंच सकती थी, वो हज़ारों के लोगों के सामने पहुंच जाएंगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ एम्पलीफायर वी कैन गेट डिज़ायर्ड आउटपुट। ओके, सो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है एम्पलीफायर सर्किट, जहाँ पे लो इनपुट और हाई आउटपुट हमें मिलता है और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। कि वी और आई आर से करंट और वोल्टेज पे क्या रिलेशन बनता है। अगर हम लोग सर्किट में ये इक्वेशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया आगे, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपन आर, आर इज इक्वल टू वी अपन आई, मतलब जिस चीज़ का वैल्यू हमें ढूंढना है और पता नहीं है, तीन में से दो चीज़ का वैल्यू अगर पता है तो हम लोग तीसरे का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और इससे एक रिलेशन भी बनता है कि अगर हम लोग ने कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा दिया है तो उसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर हम लोग वोल्टेज कम करते हैं तो करंट फ्लो भी कम होगा। हम एज्यूम करके चलते हैं कि रेजिस्टेंस कॉमन है, दोनों के लिए सेम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग समझिए आर का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर जो करंट है वो कम हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप भी जो है वो बढ़ जाएगा, यानी हमें वोल्टेज भी कम मिलेगा आउटपुट पे और करंट भी कम मिलेगा। सो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट चाहिए तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें लो रखना पड़ेगा, तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सकता है। हम लोग आगे रियल लाइफ एग्जांपल में समझेंगे कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो मैं यहीं पे अपना जो बल्ब का एग्जांपल है वही वापस लूँगा। यहाँ पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई दिया है, हम लोग घर में ज़ीरो का बल्ब यूज़ करते हैं जो एज ए नाइट लैम्प यूज़ होता है, ठीक है। वोल्टेज तो हम लोग उसको 220 ही देते हैं,
बट उसका जो लाइट है वो डीम लाइट रहता है, जो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी फैलाता है और रात को हमारी नींद खराब नहीं करता। यहाँ पे वोल्टेज तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट ये बल्ब जो है वो हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का रहता है, रेजिस्टेंस हाई रहता है, जिसकी वजह से वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है और करंट भी ड्रॉप हो जाता है और ये ज़्यादा लाइट नहीं दे पाता, इसलिए हम लोग इसे ज़ीरो बल्ब कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस बल्ब रहता है, नथिंग बट अ हाई रेजिस्टेंस बल्ब, जिसका रेजिस्टेंस 2000 ओम्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, और वही चीज़ अगर हम लोग कम रेजिस्टेंस वाले बल्ब को देखेंगे, वही 220 वोल्ट दिया है, तो ये पूरे घर को, पूरे एक कमरे को रोशनी दे सकता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो 100 ओम्स या 150 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से हमें ब्राइट लाइट आउटपुट में मिलती है। सो दिस इज़ अ रियल एग्जांपल एंड रिलेशन ऑफ वी आई एंड आर। अगर यहाँ पे आर का वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए आउटपुट कम हो गया, और यहाँ पे आर का वैल्यू कम है इसलिए वोल्टेज जो दिया है उसकी वजह से करंट का वैल्यू बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, सो ये ओम्स लो को प्रूव करता है एक सिंपल सर्किट के, ओम्स लो कैसे फंक्शन करता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी ओम्स लो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, जैसे कि ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, कंडक्टर, वोल्टेज, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस। ओके, और जब हम करंट की बात करते हैं या वोल्टेज की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है दोस्तों, याद रखिए। अगर वोल्टेज दिया है तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज वहाँ पे होगा। तो इसीलिए ये हम लोग एक कॉमन सेंस में बात करते हैं कि हम लोग जो रियल लाइफ में करंट यूज़ करते हैं वो एसी करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमको यहाँ पता है कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज 220 है, हमारी सप्लाई जो है मेन लाइन से आती है 220 है। तो ये 220 एसी है, हम लोग उसको डीसी नहीं बोलते, एसी बोलते हैं। एसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो ज़ीरो से 220 तक जाता है, यहाँ पे वापस ज़ीरो पे पहुंचता है, फिर वापस माइनस 220 तक जाता है और फिर वापस ज़ीरो पे आता है। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है उसे हम एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या वन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी एक साइकिल के लिए है, बट हमारे यहाँ पे आपको पता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, मतलब एक सेकंड में ये जो साइकिल है वो 50 टाइम्स ज़ीरो से 220, फिर ज़ीरो, फिर माइनस 220, फिर ज़ीरो, उतना साइकिल कंप्लीट करता है 50 टाइम्स, इसीलिए हमें 50 हर्ट्ज़ का डिटेल दिया जाता है। ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फ्लक्चुएट होती है, हाफ उसका पॉजिटिव रहता है और हाफ नेगेटिव रहता है। ओके, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनती है, राइट? तो आपको समझ में आ गया होगा वन साइकिल क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट में, और उसकी वजह से बनने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करते हैं या डिजिटल सर्किट की बात करते हैं, तो हमारा जो करंट है वो डीसी होना चाहिए या डायरेक्ट करंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग समझ लें कि ये 20 वोल्ट एडाप्टर का दिया हुआ है, तो इसकी जो लाइन है वो कांस्टेंट रहेगी। इसको अगर 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं स्केल पे, तो ये 20 वोल्ट पे है और वो कांस्टेंट 20 वोल्ट रहता है जितने समय के लिए आप एडाप्टर ऑन रखते हैं।
वो ड्रॉप नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं। और यहाँ पे कोई साइकिलिंग नहीं होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक स्ट्रेट लाइन वोल्टेज है। सो डीसी को हम लोग स्टेबल एंड कांस्टेंट वोल्टेज बोल सकते हैं। कभी-कभी हमें डीसी अगर हमारा स्टेबल नहीं होता है तो ऐसा पल्सेटिंग आउटपुट भी मिलता है डीसी में, जिसे हम लोग रिपल या ग्लिच भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये डीसी वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। और ये फ्लक्चुएशन की वजह से डीसी स्टेबल नहीं रहता है, वो थोड़ा अप डाउन होता है। मतलब अगर ये हम लोग 20 वोल्ट अगर इसको पकड़ रहे हैं तो कभी कभी वो 18 हो जाएगा, कभी कभी 20 हो जाएगा, कभी कभी 22 हो जाएगा। सो ये एक रेंज में फ्लक्चुएट होता रहता है। और अगर ये फ्लैट नहीं है तो इसको फ्लैट करने के लिए हमको फिल्टर सर्किट यूज़ करना पड़ता है। ये फिल्टर सर्किट इंडक्टेंस से भी बनता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के जोड़ी से बनता है, या कैपेसिटर से भी यूज़ करके बना सकते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर को भी यूज़ करके बना सकते हैं, उसे हम लोग फिल्टर सर्किट बोलते हैं। तो ये जो फिल्टर सर्किट है वो हम लोग आगे हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। आप देखेंगे कि बहुत सी जगह वो यूज़ होता है। सो दोस्तों, हमें ये पता चला कि डीसी में फ्लक्चुएशन होती है तो उसे ग्लिच कहते हैं और उसे रिपल भी कहते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे, हमारा एग्जांपल लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल, एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा वोल्टेज एडाप्टर रहता है, या एडाप्टर बोल सकते हैं, या तो चार्जर भी बोल सकते हैं लैपटॉप का, जो भी बोर्ड आपको यूज़ करना है। यहाँ पे इनपुट पे आप देखेंगे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी दिया जाता है, और आउटपुट पे हमें 20 वोल्ट 18 वोल्ट 19.5 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट या 13 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द एडाप्टर रेटिंग वी विल गेट वन ऑफ दिस आउटपुट। यहाँ एक आउटपुट हमें मिलेगा और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, और हम लोग ये डीसी को फिर हमारे डिवाइस को चलाने के लिए या कोई भी डिजिटल सर्किट को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग जाके देखेंगे एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट होता है या कैसे यूज़ होता है, वो हमें कैसे हेल्पफुल है, बट यहाँ पे आपको एसी और डीसी का डिफरेंस पता चल गया होगा। सो आज के अगर चैप्टर में देखेंगे तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है, राइट? होप आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि हम लोग फिज़िक्स का एक पोर्शन सीख रहे हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ये सीखने जा रहे हैं हम लोग, उसकी शुरुआत आज से की है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई यूज़ का नहीं रहता है। मतलब अगर ये बॉडी है तो इसे साउल कह सकते हैं, इस एक दूसरे के बिना इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने एटम देखा, हमने इलेक्ट्रॉन दे समझा, हमने चार्ज को समझा, चार्ज की वजह से हमने वोल्टेज को समझा, वोल्टेज की वजह से करंट को समझा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने रेजिस्टेंस को देखा, डिटेल में नहीं देखा बट एक चीज़ समझ में आई कि रेजिस्टेंस होता है। फिर हमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में पता चला। सेमीकंडक्टर अभी हमने सिर्फ सुना है, आगे देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमें ओपन सर्किट क्लोज सर्किट के बारे में पता चला, एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया, बाद में आगे जाके हम लोग शॉर्ट सर्किट लीकेज सर्किट भी देखेंगे। और हमें ओम्स लॉ पता चला, ओम्स लॉ क्या है। सो ये एक इंट्रो लेक्चर था जहाँ पे एक मैंने बेसिक आइडिया दिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और उसकी वजह से आपका एक बेसिक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट
कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट टैप हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आगे जो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल शेयर करूँगा। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद क्या स्टेप्स करने हैं वो मैंने ग्रुप में बताया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग कैसे शुरुआत करने जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और नई चीज़ सीखने के लिए तैयार किया है। सो आई थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स फॉर योर इंटरेस्ट एंड पैशन एंड आई होप कि आपकी सीखने की तैयारी में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड हैव अ गुड डे, बाय।